हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हरियाणा की अभी की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बढ़ते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी खबर में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के छोटे भाई गुलशन खट्टर के अंतिम संस्कार से लौट रहे राज्य मंत्री अनूप और विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की गाड़ी को किसानों ने रामायण टोल पर रुकवा लिया। इस दौरान किसानों ने दोनों के काले झंडे दिखाकर विरोध किया और डॉक्टर कमल गुप्ता से उनके द्वारा तिरंगे पर दिए गए बयान के बारे में माफी मांगने की बात कही। जवाब में डॉक्टर गुप्ता ने किसानों से कहा कि उनसे तिरंगे के अपमान वाली बात गलती से निकल गई। इस पर किसानों ने कहा कि भाजपा के बारे में अपमान वाली बात आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि वह इस बारे में पहले भी माफी मांग चुके हैं और अपना बयान भी दे चुके हैं, अब वो फिर से उस बात के खेद को प्रकट कर देते हैं। डॉक्टर गुप्ता द्वारा खेद प्रकट करने के बाद किसानों ने राज्य मंत्री अनूप धानक और डॉक्टर गुप्ता को वहां से आगे जाने दिया। इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि रामायण टोल पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया था, वो तिरंगे वाले बयान पर माफी की मांग कर रहे थे। हालांकि वह एक बार माफी भी मांग चुके हैं, उन्होंने दोबारा ऐसा करने को कहा तो उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। दरअसल 8 अगस्त को नलवा हलके में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने गलती से बयान दे दिया कि हर भारतीय को तिरंगा का अपमान करना चाहिए। इससे पहले रामायण टोल पर धरनारत किसान विधायक जोगीराम सिहाग, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सुखबीर बादल को भी काले झंडे दिखा चुके हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।